सुनिए, सन टैन की परेशानी है क्या आपको? अच्छा, कोई एक ऐसा पैक ढूंढ रहे हो जो कि आपकी सन टैन की परेशानी को दूर कर दे, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। फैमिली में किसी की शादी है या कोई ओकेजन है, कोई फेस्टिवल आने वाला है और रंगत है साफ होने का नाम ही नहीं ले रही है। सूरज दादा के कारण रंगत और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही है और पैक जो है आप स्क्रॉल करते चले जा रहे हो, पता नहीं कौन से पैक का रिजल्ट कैसा होगा, दिस होगा डैट होगा। तो फिर भी बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि छवि जी, ये पैक तो मैं शायद से 1 साल पहले देखी थी। अब बहुत ऐसी मेरी फैमिली है जो कि नई मुझसे जुड़ी है और मेरे सारे वीडियो, मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन 1300 फेस पैक बने हुए हैं। मेरे स्क्रॉल करोगे तो पूरे 1300 फेस पैक है। और 1300 जो फेस पैक है आपने देखा है क्या? कितनों ने सारे फेस पैक देख लिया है? कुछ ना कुछ छूट ही गया होगा। तो भाई, और जो भी छूटा है ना, उससे ऊपर से भी ऊपर वाले हैं। मेरे स्टार्टिंग के फेस पैक ले लो, आज से 2 साल पहले वाले फेस पैक ले लो, 3 साल पहले वाले फेस पैक ले लो, सब सुपर से भी ऊपर वाले हैं। कितनों ने देखा है? नहीं देखा ना। तो जो सारे के सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक है, तो क्यों ना उसमें से कुछ एक फेस पैक आप सबके साथ शेयर करूं जो कि आपकी स्किन और भी ज्यादा फ्लॉलेस और ग्लोइंग और ब्राइट हो जाए। और ये जो गर्मी का मौसम है और आपकी रंगत जो एकदम से बेकार होती चली जा रही है, रंगत में आपको बहुत ज्यादा मीन्स रंगत आपकी एकदम निखर जाए, खिल जाए, तो भाई आज का वीडियो देखना तो 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जब भी बेल आइकॉन को क्लिक करें तो ऑल के ऊपर क्लिक करें। ऑल के ऊपर क्लिक करने के फायदे ये है कि मेरे शॉर्ट्स के भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। दोस्तों, वैसे स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज मैं कौन सा फेस पैक लेकर के आई हूँ। यस, ये एक ऐसा फेस पैक है जो कि आपके सिर्फ चेहरे की रंगत को नहीं निखारने वाला है, ये अगर आपके हाथों की रंगत कुछ और हो गई, अगर आपको लगता है कि चेहरे के सामने अपने हाथों को रखते हो और आपको लगता है हे भगवान चेहरे की रंगत तो दिस है, हाथ की रंगत डैट है, तो ये वाली परेशानी को भी आपके दूर करने वाला है। साथ ही साथ अनइवन स्किन टोन की परेशानी को दूर करने वाला है। और अगर आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं है ना, एकदम से बेरौनक है, मतलब भाई कुछ भी लगा लो अपने चेहरे के ऊपर रौनक तो दिखता ही नहीं है, तो ये वाली परेशानी भी आपकी दूर होने वाली है। तो सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है, वो लेना है आपको मुल्तानी मिट्टी। अब मुल्तानी मिट्टी जो है, आप मिट्टी तो ऑल सीजन हिट है, लेकिन स्पेशली समर सीजन में तो मुल्तानी मिट्टी के क्या कहने, सारे स्किन टाइप्स को जाता है, चाहे आपकी स्किन किसी भी टाइप क्यों ना हो। वैसे भी आज जो मैं फेस पैक लेकर के आई हूँ सारे स्किन टाइप्स के लिए, चाहे आपकी स्किन टाइप कोई भी हो। मुल्तानी मिट्टी आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण आपकी स्किन जो है ना, वो आपकी जो रंगत कम हो दिखती है ना, बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली चिपचिपी हो जाती है, तो जिसके कारण आपकी रंगत दब जाती है, उसकी परेशानी आपको से मुक्ति मिलेगी। तो आपको मुल्तानी मिट्टी ले लेना है 1 स्पून। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन पाउडर। ये एक ऐसा पाउडर है जो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। ये आपके स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट है, डलनेस है, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन की परेशानी है, पिंपल्स आए हैं, चले गए हैं बट उसके दाग रह गए हैं, तो उसकी परेशानी को दूर करता है सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर अपने आप में परफेक्ट वाला इंग्रेडिएंट है और सैंडलवुड पाउडर भी आप ले लोगे 1 स्पून। जो दोस्तों इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो तो भाई मैं क्या ही तारीफ करूं, वो इंग्रेडिएंट तो अपने आप में अजूबा अनोखा इंग्रेडिएंट है और वो है लिकोराइस पाउडर, जिसे यष्टि मधु कहते हैं, जिसे मुलेठी पाउडर कहते हैं। अब भाई बड़े बड़े ब्रांड्स के, चाहे 25,000 के क्रीम ले लो, 50,000 के क्रीम ले लो, 1 लाख के क्रीम ले लो, भाई कितने भी महंगे क्रीम क्यों ना ले लो, उसमें आप जहां फेयरनेस की बात होती है वहां लिकोराइज की बात आती ही आती है। क्योंकि यष्टि मधु आज से नहीं, सदियों से जो है
खूबसूरती को बढ़ाने में, निखारने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, उसकी परेशानी को दूर करता है, पिगमेंटेशन की परेशानी को दूर करता है, और अगर आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं है तो आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, ब्राइट बनाता है और ग्लोइंग बनाता है। तो मुलेठी पाउडर भी आपको ले लेना है वंस मोर। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है आपको पोटैटो पाउडर, यानी कि भैया वही पोटैटो पाउडर। अगर आपके पास पोटैटो पाउडर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आलू का रस ले लेंगे, यानी कि जो आलू है उसका छिलका हटा देंगे, उसको अच्छे से ग्रेटर में ग्रेट कर देंगे और उसका आप जूस ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पोटैटो पाउडर है तो पोटैटो पाउडर का इस्तेमाल करोगे। अगर आप जूस भी लेते हो ना, तो मैं कहूंगी उसका जो स्टार्च होता है नीचे वाला ना, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए। अब जहां आलू की बात आ जाती है, अपने आप में सब बात खत्म हो जाती है। अगर आपके चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे हैं, छाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन की परेशानी है, उन सब की परेशानी में जो है वो पोटैटो काम करता है। और भैया नेचुरल ब्लीच का काम करता है। अगर आपके चेहरे, मतलब मैं क्या ही आपको बताऊं, मतलब एक ऐसा इंग्रेडिएंट है ना जो कि आप पार्लर में जाकर जो आप ब्लीच कराते हो, पार्लर में जाके जो आप ब्लीच कराते हो, कहीं ना कहीं आपके स्किन को हार्म करता है। बट ये पोटैटो का जो ब्लीच है, ये आपके स्किन को हार्म नहीं करता है, ये आपके स्किन को देता ही है कुछ, आपके स्किन से कुछ लेता नहीं है। तो पोटैटो पाउडर अगर आप लेते हो तो वन स्पून ले लोगे, पोटैटो जूस लेते हो तो आगे जो इंग्रेडिएंट मैं बताऊंगी उसके हिसाब से आपको मैं बता दूंगी। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है आपको कर्ड, यानी कि दही। अब उसके नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है, वो ऐड करना है टोमेटो। मतलब दही आप तकरीबन वन स्पून के करीब में दही दे रख ले, वन स्पून के करीब में पोटैटो जूस रख ले, और जो इसके अंदर आपको लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है जैसे मैं बताई हूँ, वो है आपको टोमेटो जूस। अब टोमेटो जूस, एक टमाटर का जितना अंदर में जूस बचा हो ना, वो सब इसके अंदर आपको मिला देना है। दही आपकी स्किन को व्हाइटन, ब्राइटन, लाइटन करता है, और वैसे ही पोटैटो जो है आपके ओपन पोर्स की परेशानी को दूर करता है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और टाइट बनाता है। सबको करना है अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद अपने साफ सुथरे चेहरे के ऊपर और नेक के ऊपर, हाथों के ऊपर, सिंपल लैंग्वेज में फुल बॉडी के ऊपर आपको लगा लेना है। पूरे चेहरे और नेक के ऊपर आपको लगा करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखना है। अंडर आई ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है पोटैटो आपको सूट ना करे, बट अगर आपको पोटैटो सूट करता है तो आप अंडर आई भी लगा सकते हो, ठीक है। पूरे चेहरे और नेक के ऊपर लगा करके रखे, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए लगा करके छोड़ना है, और उसके बाद अपने चेहरे को वॉश करना है ठंडे ठंडे पानी से। जहां फेस को वॉश करके आते हो, आपको आपकी स्किन हद से ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट लगती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसको बना करके कितने दिन तक रख सकते हैं। पहले थोड़ा सा बनाए, अगर सूट कर जाता है तो आराम से पाउडर फॉर्म में बना के 1 मंथ तक रख सकते हैं। जब आपको लगाने की इच्छा हो, निकालें दही और टोमेटो मिक्स करें और लगा लें। और अगर आप लिक्विड फॉर्म में, यानी कि पैक के रूप में बना के रखते हो, तो आराम से 2 से 3 दिन तक बना के फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। इसको लगाने की उम्र की बात है, तो अगर आपके बच्चे की उम्र हो गई है 13 साल की, तो आराम से लगा सकते हैं हफ्ते में 2 दिन। आप इसे हफ्ते में 3 बार लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।